सांसद संजय भाटिया के नेतृत्व में सीएए के समर्थन में पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों को नागरिकता संशोधन बिल के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में पूरे देश में मुहिम चलाकर जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने सीएए को लेकर भ्रम फैलाया हुआ है, जिसके चलते लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते करनाल की कमेटी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठे होकर एनआरसी का समर्थन किया गया। इस दौरान दुकानों एवं घरों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि जो लोगों को भ्रमित करने का काम विपक्ष कर रहा है, वह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह बिल आने से किसी भी धर्म व जाति के लोगों पर कुठाराघात नहीं होगा, यह सिर्फ विपक्ष अपनी वोट की राजनीति के लिए कर रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद के अलावा भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरीके से आप लोगों को समाज के आगे फैलाया गया, जिस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई पूरे देश भर में, जिस तरह से सारे राजनीतिक दल एकजुट को बार बार बोलकर सच बताने का कोशिश करने लगे, उसके विरोध में और सीए के पक्ष में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में कि ये जो एक्ट बना है ये हमारे देश हित में है, 130 करोड़ भारतीयों को इससे कोई भी नुकसान नहीं है, ये हमारी उस संवेदना का प्रतीक है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो धर्म के आधार पर जिनकी प्रताड़ना हुई है, जो प्रताड़ित हुए हैं, ऐसे प्रताड़ित हुए लोग जो 21 दिसंबर 2014 से पहले हमारे हिंदुस्तान में आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का है। ये किसी के विरोध में नहीं, ये इंसानियत के पक्ष में एक्ट आया है, जिसका इतना बड़ा बबेला बनाया गया। आज उस पोल को खोलने के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत पूरे प्रांत के अंदर 22 के 22 जिलों में इसी तरह के कार्यक्रमों से की जा रही है। आपके करनाल में, हमारे करनाल में ये कार्यक्रम की शुरुआत है। उस वही झूठ बोल रहे हैं वो, यहाँ पे रहने वाले सब लोग कहते हैं कि आपसे वो देखा जाएगा, आपके दादा का रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपका जन्म का रिकॉर्ड देखा जाएगा, जबकि झूठ है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये आज से पहले हुई, इससे ये बोलते हैं कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिल सकती जो उन देशों के मुस्लिम हैं, जबकि 11 वर्ष के अंदर कोई भी शरणार्थी है जो हमारा संविधान के अंदर जो एक्ट बना हुआ है उसमें वो नागरिकता का आवेदन कर सकता है और उसको नागरिकता मिलेगी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पिछले दिनों मीडिया में आप लोगों के माध्यम से आए हैं जिनको नागरिकता मिली है। ये तो एक संशोधन है, ये अमेंडमेंट है जिसके अंदर ये एक्ट बना के 5 साल के अंदर उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिनकी धर्म के आधार पर प्रताड़ना हुई है, जितने अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि इन तीन देशों ने, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित किया हुआ है और यहाँ पर जो 1947 में अल्पसंख्यक की संख्या थी लगभग 30%, अभी पाकिस्तान में 3.5% बच गई और बांग्लादेश में 7.5% बच गई। हम, मैं विपक्ष के उन सब नेताओं से जो सीएए का विरोध कर रहे हैं, उनसे एक प्रश्न है मेरा, एज ए लेमैन प्रश्न है, मैं राजनेता के नाते नहीं, एज ए लेमैन पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर अल्पसंख्यक कम क्यों हुए और यहाँ करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक बढ़े क्यों, और फिर यही बात बोलते हैं इनटॉलरेंस, ये जो अर्बन नक्सल बना हुआ है, जो ये विपक्ष के लोग हैं, नक्सलवाद है, ये सब मिलकर हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। ये सभी के सभी वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी गलत हो रहा हो उसके ऊपर ये खुशी जताते हैं, बाहर के देशों को विरोधी जो है उनको ये ताकत देते हैं। मैं सब मीडिया के बंधुओं से, आपने इस विषय को बड़े अच्छे से अभी डिबेट में आ गया, अब आप जब भी आप टीवी पे डिबेट देखते हैं सभी एंकर कहते हैं, सब बोलते हैं कि आप ये क्यों गलत बात कर रहे हो, जबकि ये बात तो एक्ट के अंदर है नहीं। अब विपक्ष के पास जवाब नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाला, मोदी को प्यार करने वाला, इस देश को प्यार करने वाला इस एक्ट के समर्थन में खड़ा हुआ है। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित कार्य पाकिस्तान ने किया है और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की औकात कितनी है। 2-3 बार में हिंदुस्तान की सेनाओं ने उनकी औकात उनको याद दिलाई है। अगर किसी भी तरह से ये चीज़ें सहन नहीं होंगी,
कल मैंने देखा पूरे देश भर में सभी हमारे समाज के विभिन्न लोगों ने उस ननकाना साहब वाली घटना का विरोध किया है और ये विरोध लगातार चलेगा और विपक्ष भी बेनकाब हुआ है। जो पाकिस्तान के हक में ये समर्थन रैलियां निकाल रहे थे आज वो भी बेनकाब है। विपक्ष द्वारा ये भी कहा गया है कि क्योंकि भारत में सीएए को लागू करने की बात हुई इसी वजह से जो है पाकिस्तान में ये सब किया गया, तो क्या इसके पीछे ये सब कहा जा रहा है? इसका मतलब अगर अपने हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ पिछले 70 सालों में कांग्रेस के राज में गलत हुआ अगर उसको ठीक करने का प्रयास करने का भारतीय जनता पार्टी और सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी करने का कर रहे हैं तो हम कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर विपक्ष हमारा ये बोलेगा आज अमेरिका ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया या हिंदुस्तान ने, ये तो हमारे से ही सबूत मांगते हैं। विपक्ष के लोगों का तो इतना नीचा स्तर हो चुका है, इतनी गिरावट आ चुकी है, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इतिहास को देखेंगे 1947 के अंदर इन्हीं नेताओं की जो सत्ता लालसा थी उसने हिंदुस्तान के टुकड़े करवाए और ये सत्ता लालसा के लिए हिंदुस्तान के फिर एक बार और टुकड़े करवा सकते हैं। लेकिन जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का देशभक्त कार्यकर्ता इस देश का प्रत्येक देशभक्त नागरिक जब तक है तब तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सपना सफल नहीं होगा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।